हेलो इंजीनियर्स 30 वर्ष। तो आज आपके लाए हैं किस प्रकार से आसानी से घर पे एक लिथियम बैटरी की तरह एक बैटरी हम लोग बना सकते अपने घर पे। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही इजी है, आपको घर पे ही सभी कुछ आपको घर पे मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग यूज करके आसानी से एक लिथियम जैसा बैटरी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली लिथियम बैटरी नहीं है, तो ये होममेड बैटरी है। तो चलिए देखते हैं इस बैटरी को हम लोग किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई ltm.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो अब ये आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का जो लिथियम का बैटरी होते हैं इसको कंपनी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस पर लिथियम इस पर डाल के इसका पावर को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो लिथियम या फिर पॉलीमर किसी भी सॉल्यूशन को इसके अंदर डाल के इसका पावर इंक्रीज करता है। लेकिन हम लोग इसी प्रकार का बनाएंगे, लेकिन इतना छोटा नहीं है, हम लोग थोड़ा बड़ा बनाएंगे, लेकिन वोल्टेज थोड़ा कम आएगा। इसका वोल्टेज जितना आता है उससे थोड़ा कम आएगा, लेकिन हम लोग होममेड बैटरी बना सकते हैं। तो अभी चलिए इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग एक होममेड बैटरी हम लोग बना के आपको दिखाते हैं। ये कंप्लीट हो गया है। अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो एल्युमिनियम पेपर आप देख रहे हैं इसको हमने फोल्डिंग करके इस प्रकार का शेप दे दिया है, जो कि बैटरी का आउटपुट का काम करेगा ये जो टर्मिनल है। और इसको हम लोग इस प्रकार का दो हम लोग शीट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग एक जाली लेंगे। तो जाली कुछ इस प्रकार का होगा, तो ये स्टील वूल से हमने बनाया है जाली को। तो इस जाली का टर्मिनल भी इस प्रकार का होगा क्योंकि बैटरी का दूसरा टर्मिनल इस पर डालना होगा। तो अभी हम लोग इस पर चूँकि एक सॉल्यूशन डालेंगे, लेकिन सॉल्यूशन डालने के पहले हम लोग इस पर कार्बन का जो डस्ट होते हैं इसको हम लोग इस पर मिलाएंगे। तो कार्बन डस्ट कहाँ से मिलेगा, आप लोगों को ऑनलाइन मिलेगा या फिर आप जो पेंसिल है पेंसिल के जो नीप होते हैं उसको डस्ट करके आप इसको ले सकते हैं। तो मैंने ये कार्बन पेपर ले लिया है, तो अभी इसको हम लोग इस कार्बन पेपर को इस पर बिछा देंगे सभी पे, इस साइड दोनों साइड पर हम लोग इसको बिछा देंगे। तो बिछा देने के बाद हम लोग इसके बाद हम लोग सेट करेंगे इस प्रकार का एल्युमिनियम पेपर ऊपर की तरफ फेंक देंगे और नीचे की तरफ फेंक देंगे। लेकिन इसको देने से पहले हम लोगों को टिश्यू पेपर जो है टिश्यू पेपर को बीच पे रखना होगा। तो इसे बीच पे रख के हम लोग इसको डालेंगे क्योंकि ये दोनों टर्मिनल एक साथ कनेक्शन ना हो पाए, और टिश्यू पेपर के साथ हम लोग इसको करेंगे क्योंकि टिश्यू पेपर जो कि वाटर को सूख लेता है, वाटर इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो हम लोग इसका इस पर जो सॉल्यूशन डालेंगे वो सॉल्यूशन होगा ये जो आप देख रहे हैं, मैंने इसको बनाया है घर पे, आप भी इसको घर पे बना सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है जो नमक है, जो सॉल्ट होते हैं, नमक और बेकिंग पाउडर जो है दोनों को एक ही ग्राम का हम लोग ले लिया। मतलब मान लीजिए नमक हमने 2 ग्राम ले लिया और बेकिंग पाउडर भी हम लोगों को 2 ग्राम ही लेना होगा। तो लेने के बाद हम लोग एक साथ मिक्सिंग करके, मिक्सिंग करने के बाद हम लोग इसको पानी में डाल के इसको सॉल्यूशन बनाएंगे। तो वही सॉल्यूशन इस पर जब भी डालेंगे तो बैटरी का जो पावर है इस पर मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग इस बैटरी को चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद हम लोगों को पूरा का पूरा पावर मिल जाएगा। तो अभी चलिए इसको हम लोग सभी कंपोनेंट को एक साथ करके कनेक्शन करते हैं, करने के बाद आपको दिखाते हैं ये बैटरी किस प्रकार से हमने घर पे बना सकते हैं।
का सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स क्वार्ट्ज कंपोनेंट्स से खरीदा हुआ है। बहुत ही अच्छा और सस्ता कंपनी है। अगर आप चाहते हैं वहां पे जाके बहुत ही कम रेट पे खरीद सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। तो इस पर हमने दो तरफ दो एल्युमिनियम पेपर डाल दिया, तो दोनों एल्युमिनियम पेपर को एक साथ हमने कनेक्शन कर दिया है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं एल्युमिनियम पेपर जो है वो होगा नेगेटिव और जो कार्बन होगा वो होगा पॉजिटिव। तो अभी हम लोग इस पर कोई सॉल्यूशन नहीं डाला, जो सॉल्यूशन मैंने बोला था जो नमक और बेकिंग पाउडर से मिला के हम लोग डालेंगे वो अभी इसमें नहीं डाला। तो इसको अभी ब्लैंक है, तो इसको ब्लैंक ही हम लोग टेस्ट करेंगे अभी। तो अभी देखिए इसको हम लोग सेट कर लेते हैं वोल्टेज पर। तो अभी ऑन हो गया है, तो अभी नेगेटिव और पॉजिटिव हम लोग इस पर डालेंगे। तो देखिए ये वोल्टेज ज़्यादा नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे 0.39 समथिंग दिख रहा है। तो ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन अभी इसमें डाला नहीं। तो अभी सॉल्यूशन को डालेंगे, डालने के बाद देखते हैं इसका वोल्टेज कितना आ रहा है। तो इस पर आप देख सकते हैं चारों तरफ मैंने पेपर जो है पेपर को ढक लिया है, जो कि हम लोगों का जो लेमुलेशन पेपर होते हैं उसी लेमुलेशन पेपर से हमने इसको सील किया है चारों तरफ हीट करके। ठीक है, मतलब अंदर की तरह का एक बैग की तरह हो गया है। अभी इस पर सॉल्यूशन डाल सकते हैं हम लोग। तो अभी ये सॉल्यूशन हम लोग इस पर डालेंगे। मैंने पहले बोला था इस सॉल्यूशन को हमने बनाया है पानी से और नमक से और बेकिंग पाउडर से। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्यूशन को इस पर ले लेंगे। तो अभी हम लोग इस पर पुशिंग करेंगे। तो अभी देखिए सॉल्यूशन इस पर डाल दिया है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। तो मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो अभी देखिए थोड़ा वोल्टेज इसमें बढ़ गया है, मतलब करीबन 1 वोल्टेज के आसपास है। तो अभी वोल्टेज इतना कम क्यों है, क्योंकि इस पर चार्ज नहीं हुआ अभी तक। तो चार्ज नहीं हुआ इसलिए ये वोल्टेज कम दिख रहा है। तो अभी हम लोग इसको चार्ज करेंगे, थोड़ा टाइम करके आप लोगों को दिखाते हैं ये कितना वोल्टेज आ रहा है। अभी मैंने चार्ज का पॉइंट इसमें डाल दिया है। तो अभी हम लोग इस पर 3 वोल्टेज दे रहे हैं थोड़ा टाइम के लिए, करीबन 15 मिनट के लिए 3 वोल्टेज में डालेंगे। तो देखते हैं इसका चार्ज कितना आ रहा है। अभी करीबन 15 मिनट हो गया है। तो अभी इसको खोलेंगे, खोल के हम लोग इसको टेस्ट करेंगे कितना वोल्टेज इसमें आ रहा है। तो अभी इसका चार्ज हो गया है। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, देखते हैं इसको वोल्टेज बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको फिर से टेस्ट करते हैं। तो देखिए वोल्टेज अभी बढ़ गया है, मतलब 1.19 के करीब है वोल्टेज। तो और थोड़ा ज़्यादा इसको चार्ज करेंगे तो और भी इसका वोल्टेज इस पर आउटपुट देगा। तो ये जो बैटरी है, इस तरह हम लोग कई सारे बैटरी एक साथ बना के एक साथ पैकेटिंग करेंगे। करने के बाद सभी पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्शन करेंगे, करने के बाद इसका जो एम्पियर है वो बढ़ जाएगा। अभी हम लोग इसका टेस्ट करेंगे, मोटर लगा के टेस्ट करेंगे, मोटर को घुमा के देखते हैं ये घूमता है या नहीं घूमता है, क्योंकि LED तो इसमें जलेगा नहीं 1.something वोल्टेज पर। तो मोटर को देखते हैं, छोटा मोटर ले लेंगे उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे। तो अभी देखिए ये जो मोटर आप देख रहे हैं इस मोटर को हम लोग टेस्ट करेंगे। तो इस पर हमने वायर लगा दिया है और एक जो कि ब्लैक ट्यूब हमने इस पर लगा दिया ताकि देखने में आसान हो। तो अभी इसको क्लिप की मदद से हम लोग इसको फिट करेंगे। अभी ये फिट कर दिया है। तो अभी बैटरी जो है इसी बैटरी को हम लोग इस पर लगाएंगे। देखिए घूम रहा है, घूम रहा है अभी। तो इसको थोड़ा घुमाना पड़ता है, आपको ठीक से दिखाता हूँ। तो ये अभी घूम रहा है, तो जितना चार्ज हुआ है उसी के वोल्टेज पे ये घूम रहा है। तो ये जो बैटरी है ये बहुत ही अच्छा है, अगर चार्ज करेंगे तो भी अच्छा घूमेगा। तो अभी वोल्टेज थोड़ा कम हो गया शायद। तो ये जो बैटरी है इसको आप लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं।
तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक बैटरी जो है वो हम लोग घर पे बना सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।